Now come to the next variety of problem. What will be the minimum number of NOR gates needed to implement or realize the following function f of a comma b comma c is equal to a plus bc. Now यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक बात बता देता हूं, जो बात आप हर हमेशा याद रखेंगे. अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट का जिक्र करता है तो एक्सप्रेशन POS फॉर्म में होना चाहिए, और नैंड गेट का जिक्र करता है तब SOP फॉर्म में होना चाहिए. अगर आप उल्टा कर देंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कुछ और नंबर आएगा, जो कि गलत होगा. नाउ इसको इस एग्जांपल से मैं वेरीफाई करके भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए. आपको क्या चाहिए? नॉर गेट. एक्सप्रेशन अभी है SOP फॉर्म में, नॉर गेट कहता है POS फॉर्म में एक्सप्रेशन होना चाहिए. SOP से POS और POS से SOP में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बहुत बड़ा हाथ होता है. अगर मैं इसकी कन्वर्जन की बात करूं तो आप कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, है ना? यह हो गया. नाउ एक बात तो यह हो गई तय. अब आप सबसे पहले याद करें उन लेक्चर्स को जिसमें मैंने यूनिवर्सल टू बेसिक गेट्स में कन्वर्जन बताया था, मतलब नैंड और नॉर को जब हमने यूज किया था, एंड और एक्सोर एक्सनोर नॉट गेट कैसे बनता है वो आपको याद रखना. क्लियर है? नाउ अब चलते हैं ए प्लस बी. ए प्लस बी आपका नॉर गेट से कैसे बनता है? तो ए प्लस बी आपका नॉर गेट से कैसे बनेगा? तो ए प्लस बी नॉर से बनता है, ये नॉर और फिर इस तरीके का अरेंजमेंट है ना. तो ये आपका, मैं बता देता हूं आपको क्या हुआ है. ए प्लस बी का बार और इसने ए प्लस बी का बार का बार, इट्स नथिंग बट ए प्लस बी, है ना. ये कन्वर्ट करके दे दिया है, ये अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट अब आता है आपका ए प्लस सी. अगेन मैं इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो ये ए प्लस सी हो गया. अब मुझे एंड बनाना है. एंड गेट कैसे बनता है? एक पहले इंडिविजुअल का मतलब ये, एक इंडिविजुअल और फिर इस दोनों का, है ना. तो जैसा कि आप अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान रखें, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको और बना के दे देगा, इस तरीके का अरेंजमेंट नॉर में, है ना, एंड बना के दे देगा, है ना. अगर मैं नॉर को नैंड से रिप्लेस कर दूं तो इस तरीके का अरेंजमेंट नैंड गेट का एंड बना के देगा, और इस तरीके का अरेंजमेंट नैंड गेट का और बना के देगा, है ना. ये तुम पहली क्लासेस में जो हमने सीखा उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं. नाउ एक बात जो हमको फाइनली ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है ये क्या कर रहा है. इस पॉइंट पे लेट मुझे एक्स मिला, इस नॉर ने इसको एक्स बार किया होगा और इस नॉर ने अगेन एक्स बार का बार एक्स किया होगा. अल्टीमेटली इस नॉर के होने के कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल इनपुट है, हमने रेप्लिकेट कर दिया इनपुट, ये एक अलग बात है, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है. उसी तरीके से इस नॉर की भी कोई जरूरत नहीं है, है ना. तो अल्टीमेटली मुझे कितने लगे?
एक, दो और तीन है या ना, थ्री नॉर गेट्स, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चल ये तो हो गया जब मुझे नॉर गेट पूछा था और ये एक्सप्रेशन दिया था एसओपी फॉर्म में और मैंने उसको इस टेबल को याद रखते हुए पहले इस एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट किया और तब मैं ये नंबर लेकर के आया। लेकिन जनाब अगर मैं ये गलती कर जाता हूं और ये उल्टा कर देता हूं या मैं इसको फॉलो ही नहीं करता हूं तो सिंपली देखते हैं, बी इंटू सी पहले बनाओ तो बी इंटू सी कैसे बनेगा, दैट इज बी इंटू सी, एंड तो यही बनता है ना, तो ये बी इंटू सी हो गया। अब आता है ए प्लस, तो नॉर गेट से प्लस कैसे बनता है, तो ये एक लगा दिया और उसके पीछू मतलब आगे एक और लगा दिया, ये आपका ए है ना। अब सोचिए इनमें से कौन दो कंसेक्यूटिव वन इनपुट है, कोई नहीं है, कहां है ही नहीं, मतलब तुम इनको कट कर ही नहीं सकते, इससे फर्दर रिड्यूस हो ही नहीं सकता। इसमें कितने चाहिए, पांच नॉर है ना, जबकि इसी फंक्शन को मैंने तीन नॉर गेट में बना दिया जनाब, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग है। इसमें मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं, आप इतने समझदार ऑलरेडी हैं ना, तो ये गलती कभी भी मत करिएगा, ये हर हमेशा दिमाग में रखना और इसके पीछे आपको अरेंजमेंट्स याद रखना है कि दो और नॉर लगा दोगे तो और बनेगा, इस अरेंजमेंट से एंड बनेगा, नॉर को नैंड से रिप्लेस कर दो तो और को एंड से रिप्लेस कर देना। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम?